तो आपके सामने पेज नंबर 14 है, मैंने आंसर्स बुक पर लिखे हैं। आप अभी पेंसिल की मदद से ये आंसर्स बुक पर लिख सकते हैं, लेकिन आपने इन्हें अपनी नीट कॉपी जो है इस्लामियात की, उस पर आपने पहले सबक का नाम लिखना है, ज़कात, और ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है इस लेसन से, ज़कात से आपने सबक का नाम लिखना है। फिर आपने क्वेश्चन लिखना है, देखिए पेज नंबर 14, आपने सवाल लिखना है और उसका फिर जवाब लिखना है अपनी कॉपी पर। अभी आप चाहें तो आप इसे अपनी बुक पर पेंसिल की मदद से लिख सकते हैं, कोई बच्चा पेन से नहीं लिखेगा, ठीक है, आपके लिए बुक गंदी नहीं करनी। आज हम सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 14 पर, और जो पेज नंबर 15 है उसका भी जो एक क्वेश्चन है ज़कात के बारे में एक मुख्तसर मज़मून अपनी कॉपी में लिखिए, उसके निशान मैं आपको बुक पर लगवाऊंगी और आप बेहद ध्यान से मेरे साथ साथ बुक से बुक पर निशान लगाएंगे और फिर अपनी कॉपी पर सवाल का जवाब लिखेंगे। तो चलिए हम काम शुरू करते हैं, पहले हम रीडिंग करेंगे सवालात और जवाबात की। ओपन पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 सब बच्चे ओपन करें। इसके अलावा मैं शेयर भी कर दूंगी ये काम, आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त सवालों के जवाब समझना और उनको गौर से सुनना बेहद जरूरी है। मैं आपके साथ जवाब ये पेजेस शेयर कर लूंगी, आप वहां से आंसर लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 1, ज़कात किस किस को दी जा सकती है, ज़कात किस किस को दी जा सकती है। मैंने इसका जवाब लिखा है करीबी रिश्तेदार, मुस्तहिक पड़ोसी, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको रीडिंग के वक्त, ठीक है, बेसामान मुजाहिद, फकीर, मस्कीन, कर्जदार और मुसाफिर। यानी कि आपके रिश्तेदारों में, करीबी रिश्तेदारों में जो कि बेहद गरीब हैं, आप सबसे पहले उन्हें तलाश करके दीजिए। फिर आपके घर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं और वो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, उन्हें दीजिए। फिर बेसामान मुजाहिद या मुसाफिर, जिसके पास सफर का के लिए पैसे खत्म हो चुके हों, उसे हम दे सकते हैं। फकीर मस्कीन, फकीर और मस्कीन की हमने कल ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके पास एक वक्त का खाना भी खाना मुश्किल हो जाए, जिसके लिए वो है मस्कीन और फकीर। और कर्जा, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कर्ज अदा करने की, जिनके पास जिनकी हैसियत ना हो और कर्ज बढ़ता जा रहा हो, उनका कर्ज भी उस ज़कात की रकम से अदा किया जा सकता है। तो सवाल नंबर 1 का जवाब में है करीबी रिश्तेदार, मुस्तहिक पड़ोसी, बेसामान मुजाहिद, फकीर, मस्कीन, कर्जदार और मुसाफिर, ठीक है। सवाल नंबर 2 है ज़कात के चंद फायदे लिखिए। अल्लाह खुश होता है, माल पाक हो जाता है और नंबर 3 जरूरतमंदों की मदद हो जाती है। ये तो सीधे सीधे और क्लियर से 4 फायदे हैं। अल्लाह खुश होता है, माल पाक हो जाता है और जरूरतमंदों की मदद हो जाती है। सवाल नंबर 3, ज़कात अदा करने के बारे में कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया गया है। तर्जमा, 2 आयात हैं बच्चों, आप चाहे दोनों लिख लीजिए और चाहे 1, ठीक है, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया गया कि आप कितनी आयात लिखिए, और कुरान पाक में तो कई जगहों पर ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है।
हमने एक आयत का तर्जमा लिख लिया है, तर्जमा सूरतुल हदीद आयत नंबर 11, उसका तर्जमा है, कौन है जो अल्लाह को नेक कर्ज दे तो वो उसको उससे दुगना अदा करे। ठीक है, तो वो उस शख्स को उससे यानी कि उसके माल से दुगना माल अदा करे और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। तर्जुमा है, कौन है जो अल्लाह को नेक कर्ज दे तो वो उसको उससे दुगना अदा करे और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। सूरतुल हदीद आयत नंबर 11। सवाल नंबर 4, ज़कात अदा यहाँ पे करना भी आना चाहिए मिस्टर, ज़कात अदा करना किन पर फर्ज है और ये कितनी अदा की जाती है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि निसाब ज़कात क्या है, साहिब निसाब किसे कहते हैं। तो साहिब निसाब वो शख्स होता है, मैं फिर से बयान एक्सप्लेन कर देती हूँ, साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा दौलत एक साल तक जमा रहे और वो उसको खर्च ना करे बल्कि वो वैसे ही सेविंग के तौर पर उसके पास पड़ी रहे और उसकी मालियत 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो। ठीक है, तो वो शख्स साहिब निसाब है। और ज़कात का निसाब मैंने आपको बता दिया है कि 7.5 तोले सोने की जो कीमत उस यानी कि आज अगर मैंने ज़कात अदा करनी है फर्ज करें तो जो आज सोने की कीमत होगी मार्केट में 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी की, तो मैं अगर मेरे पास उतनी रकम एक साल तक रही है तो मैं फिर या उससे ज्यादा रकम है, कई गुना उससे ज्यादा रकम है, तो मैं वो तमाम रकम जो मेरे पास मेरे इस्तेमाल में नहीं रही, सेविंग के तौर पर रही है या कोई सोना या कोई जेवरात रहे हैं, तो मैं उस पर ज़कात अदा करूंगी 100 रुपए पर 2.5% 2.5% का। ठीक है, तो कैलकुलेशन कल मैंने आपको करने के लिए कही थी। ये देखिए सवाल नंबर 4 की मुझे याद आया कि अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, और आपने उनको पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया है किसी शख्स ने और अपने बाकी अखराजात बाकी की रकम से अदा करता है और उसकी सेविंग मनी जो है वो 50,000 यानी कि 50,000 है और 100 रुपए पर 2.5 रुपए ज़कात बनती है, तो बताएं वो शख्स 50,000 पर कितनी ज़कात अदा करेगा। जी, तो अबुल हसन ने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आ रही है बच्चों को बताएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली 1,250 रुपए बनती है। अब सोचिए अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप उसमें से 1,250 रुपीज किसी को दे देते हैं तो आपको तो फील भी नहीं होगा कि आपने किसी को इतने पैसे दिए और किस कदर खूबसूरती से आप वो आपका माल भी पाक हो जाएगा और आपकी ज़कात निकल आएगी। जी मैंने भी कैलकुलेट किया था, शाबाश संबंधों ने कैलकुलेट किया है, 1,250 रुपए यानी कि 1,250 रुपीज बहुत ही थोड़ी सी रकम है, ठीक है, जो कि आपने अदा कर दी है। सही, हाँ जी, तो आगे बच्चों आप लोगों को समझ, बेहद आसान है, बेहद आसान, शाबाश। अच्छा जी, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि इसके बाद है कि सवाल नंबर हमारे पास था 3, सवाल नंबर 4, कि ज़कात अदा करना किन पर फर्ज और कितनी अदा की जाती है। तो इसका जवाब देखिए कि हर दौलतमंद साहिबे निसाब पर ज़कात फर्ज है
और उसकी हद 2.5% मुकर्र की गई है, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपए जकात बनती है। ठीक है, समझ आ गई कि हर दौलतमंद साहिबे निसाब पर क्या प्रॉब्लम। जी, हर दौलतमंद साहिबे निसाब पर जकात फर्ज है और उसकी हद 2.5% मुकर्र की गई है, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपए जकात बनती है। अब आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चल गया। अब आप किसी को भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, उससे पूछेंगे अच्छा आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है, और आप उसको फौरन कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपने इतनी ज़कात अदा करनी है। तो आप लोग कर सकते हैं बच्चों अब कैलकुलेशन, बता सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो बच्चों जरा मुझे बताओ कि इस पर कितनी ज़कात बन सकती है। शाबाश। तर्जुमा, सवाल नंबर 5, जकात का माल नाहक खाने वालों के लिए कुरान मजीद में क्या कहा गया है? यानी कि वो लोग जो जकात अदा नहीं करते उसको भी खा जाते हैं। तो सूरत तौबा आयत नंबर 35 का तर्जमा है, जिस दिन वो माल दोजख की आग में गर्म किया जाएगा और फिर उससे उनकी पेशानियां, पहलू और पीठें दागी जाएंगी कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, तो जो तुम जमा करते थे उसका मजा चखो। जिस दिन वो माल दोजख की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियां, पहलू और पीठें दागी जाएंगी कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, तो जो तुम जमा करते थे उसका मजा चखो। आ गया बच्चों समझ? आपने क्या करना है कि इन तमाम सवालात को, पहले सबक का नाम लिखना है आपने, सेकेंड टर्म लिख लेना है अपने ऊपर दूसरी सैमाही, और फिर लिखना है सबक का नाम ज़कात, फिर आपने सवाल लिखना है, फिर जवाब, सवाल और जवाब। मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आए पेज नंबर 15 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है कि ज़कात के बारे में एक मुख्तसर मज़मून अपनी कॉपी में लिखिए। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आप लेसन पढ़ लेंगे, जब कोई भी हम लेसन पढ़ लेते हैं, कोई भी आप में, ठीक है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है कि हम उसमें से कोई मजमून लाइन सिलेक्ट कर सकें मजमून लिखने के लिए। हम उनको एज इट इज भी लिख सकते हैं बच्चों, और उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ कुछ लाइन, आप उनको वैसे भी लिख सकते हैं और उनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 11 पर, सवाल नंबर जो 5 है उसका जवाब के लिए। ये देखिए पेज नंबर 11, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, लाइन नंबर 5 अंडरलाइन कीजिए। यहाँ से ज़कात दौलतमंद या हैसियत वाले लोगों पर फर्ज है, अंडरलाइन कीजिए। शाबाश। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन उसे भी अंडरलाइन कीजिए। ज़कात अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है मानी पाक करना है। ये भी काट दीजिए। ठीक है, अपने माल में से जब हम गरीबों और मस्कीनों को उनका हक ज़कात की शक्ल में देकर उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला इस माल में अपनी रहमतें और बरकतें डाल देता है। ठीक है, इस तरह ये मालो दौलत दुनिया में भी बढ़ती है
और इसको अदा करने से अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। ठीक है, पहले इन चार लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए, मैं ये देखिए फोकस कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से इन चारों लाइंस को अंडरलाइन कीजिए। शाबाश, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, आप लोग ने अंडरलाइन करी होंगी उम्मीद है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 है, यहाँ पर ज़कात कौन अदा करेगा। आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन की है लाइन कि अगर एक मखसूस मिकदार में आपके पास मालो दौलत हो तो उस पर जकात देना फर्ज होगा, उसको निसाबे जकात कहते हैं। और जो जकात देने के काबिल होता है उसे साहिब निसाब कहते हैं। यानी कि हमने अपने मजमून में ये भी बता दिया कि निसाबे जकात क्या होता है और साहिब निसाब किसे कहते हैं। ठीक है, इन टू लाइंस को भी अंडरलाइन कीजिए, एक ये लाइन पूरी और एक नेक्स्ट वन। उसके बाद इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन पर आ जाइए, यहां से शुरू कीजिए कि जकात की हद 2.5 यानी के 2.5% मुकर्रर की गई है, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपए जकात बनती है। हर साहिब निसाब शख्स के पास मौजूद मालो दौलत, सोने और चांदी के जेवरात वगैरह की मुकर्रा मालियत पर जकात अदा की जाती है, जो बाद अजा गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च की जाती है। ठीक है, यानी कि इस पैराग्राफ की फर्स्ट टू लाइंस वो भी पूरी दोनी यहां तक कहते हैं तक, और थर्ड लास्ट लाइन से लेके जहां ये पैराग्राफ एंड होता है वहां अंडरलाइन कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपने पेज नंबर 15 पर ये जो ये सवाल लिखा हुआ है ज़कात के बारे में एक मुख्तसर मज़मून अपनी कॉपी में लिखिए, उसका जवाब लिखने के लिए आप इन तमाम जो लाइंस हमने अंडरलाइन की हैं इन्हें लिखेंगे। आप उनको एज इट इज भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको पढ़कर अपने अल्फाज में लिख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इमला की गलती ना हो, राइटिंग बहुत खूबसूरत हो, मार्जिन लाइंस लगी हुई हो, ठीक है, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाए। बच्चों, आप सब बच्चों को मैंने बता दिया है कि ये आपकी सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन है ज़कात। ठीक है, हमने इसकी रीडिंग भी कर ली, फिर हमने इसके लिए मशकी सवालात भी कर लिए, और यहाँ पर हमने लिख देते हैं आंसर 1250 रुपीज। ठीक है, रुपीज 1250, और ये हमने कल किया था। अगर किसी बच्चे का मिस हो गया है तो वो लिख लिख ले, पहली खाली जगह में चौथा रुकन पेज नंबर 15, ठीक है, दूसरी में दौलतमंद, तीसरी खाली जगह में गरीब, चौथी में मदद और पांचवी में दौलत। इसी तरह नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फर्ज इबादात के सामने निशान लगाइए, हज करना के सामने निशान लगाएंगे, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, कलमा पढ़ना। और सवाल नंबर 4 वो भी आप कर चुके हैं, बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, जितनी रकम बनती आपने मुझे बता दिया। ठीक है,
अच्छा बच्चों, आपने फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी पर नहीं लिखनी, ठीक है? आपने फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब अपनी बुक पर ही, बुक वर्क बुक पर ही करना है, पर पेंसिल की मदद से। आपकी टीचर भी पेंसिल से लिख रही है, आपने भी पेंसिल ही यूज करनी है। अच्छा, ये कौन बच्चा है? वो कहता है मुझे अनम्यूट करें। चलिए बेटा, अभी मैं लेसन फिनिश होता है ना, आपको अनम्यूट करती हूँ ताकि आप अपना पूछ लें क्वेश्चन। हाँ जी, तो उसके बाद आपने ये जो जो बुक वर्क है वो बुक पर करना है, ठीक है? क्लियर हो गया आपको? और जो कॉपी वर्क है, ये सब जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने कॉपी पर करना है, ये बुक पर नहीं करने। मैंने आपके सामने के लिए, द रीडिंग के लिए लिख दिए हैं, और मैं एज इट इज आपको बुक पर लिखा हुआ ही ये पेज सेंड करूंगी, व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। लेकिन नहीं जिशान, मैं ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और टीचर आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगी, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ ग्रुप में, ठीक है? डोंट वरी, आप इतनी जल्दी नहीं लिख सकते हैं। बहरहाल मेरी अभी कैमरा मेरा उस पेज पर ही है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सेंड कर दूंगी, ताकि अच्छा अच्छा सा आप काम कर लीजिएगा। और टीचर तो डेली आपको सेंड कर ही देती हैं, फिर भी हम रिक्वेस्ट कर देंगे, टीचर को याद करवा देंगे कि आज का काम जरूर सेंड करना है, ठीक है जी। रमला टीचर, रमला कह रही है कि मुझे अनम्यूट कर दें। रमला, टीचर आप को होस्ट हैं, आप जिसे चाहे अनम्यूट कर सकते हैं। ओके ओके, मैं टीचर वही ढूंढ रही हूँ रमला को। रमला की तरह जी, रमला हाँ जी, रमला बोलिए। एक्सक्यूज मी टीचर, मेरे सामने ना मुझे ट्यूशन आंसर है, मुझे इस आपने इतने ज्यादा करवा दिए भरे भरे आंसर, मेरे ट्यूशन सर ने मुझे छोटे करवाए हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने सर से बात करूं या फिर आपके, मैं अपने आपके करूं क्वेश्चन? अच्छा, समझ आ रही। अच्छा, आप ये चैप्टर कर चुकी हैं आप ये वाला? मेरे सर ने मुझे करवा दिया। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा रमला, बात ये है कि टीचर कैसी है? टेबल चुप करो। टाइम पे टीचर, आप ना अगर आंसर ठीक है तो मैंने कभी गलत नहीं कहा। अगर सर ने आपको ठीक आंसर्स करवाए हुए हैं और आपने वो लिख लिए हैं, आपने याद कर लिए हैं, तो सर ने आपको ठीक ही करवाए होंगे, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि वो गलत है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर लिखवाया है वही होना चाहिए, बस आपका आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है? ये डोंट वरी, अगर आपने कोई और आंसर याद किए हुए हैं लेकिन वो ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को याद कर लीजिए जी। और भी इतना बच्चे होंगे जो कहेंगे कि हमने कुछ और याद किया, लेकिन बेटा ये आपकी बुक में से ही है, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं करवाया। मैं लेसन पढ़ती हूँ और जो आपकी बुक में आंसर होते हैं उसी में से करवाती हूँ आपको, ठीक है? तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि लेसन जो पढ़ते हैं उसी में से ही आंसर ढूंढ कर किया करें। जो खुद करने वाले हूँ, बाजू का नहीं है, कुछ आंसर नहीं होते, वो खुद करने होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर चुके हैं और वो ठीक है, तो मुझे भला क्या जरूरत है सही जवाब को गलत करने की? ऐसा ना कभी मैंने किया है और ना ही और कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता। अगर जवाब ठीक है तो आपको उसके नंबर दिए जाते हैं, ठीक है जी? जी आपको फुल पेज जो है मैं सेंड करूंगी जिशान, डोंट वरी, राइट? अच्छा बच्चों, आपने ये सारा काम जो अपनी कॉपीज पर करना है और मैं इंशाल्लाह फिर वो चेक करूंगी। अब कुछ बच्चे हैं वो उनको मैं अब सवाल नंबर 5 के दोबारा से दिखा दूं निशान लगाने के लिए बुक पर,
तो पहले पेज नंबर 11 फर्स्ट पैराग्राफ फिफ्थ लाइन इसे अंडरलाइन कीजिए, सिक्स्थ लाइन को कीजिए, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को, सेकंड को और फिर थर्ड लाइन को, ठीक है, ये अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 12 ज़कात कौन अदा करेगा टॉपिक के अंडर लाइन नंबर 1 और 2 यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए। इस थर्ड लास्ट लाइन पे आ जाइए इसी टॉपिक के अंडर, इसे अंडरलाइन कीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन, सेकंड लास्ट और फिर ये लास्ट लाइन, ठीक है, यहाँ तक। आप सब बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए, और जो भाई नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह फिर मैं देखूंगी आप लोगों ने काम किया है या नहीं किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट टर्म के नोट्स जो हैं वो आप स्कूल से ले सकते हैं, लेकिन 2 दिन पहले आपको फोन करके बताना होगा, अपना नाम लिखवाना होगा, फिर ही आप 2 दिन के बाद कलेक्ट कर सकते तमाम सब्जेक्ट्स। अगर किसी बच्चे के मिस हो गए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, बाकी क्लास खत्म होने में सिर्फ 2-3 मिनट रह गए। तो जो रमला की बात थी कि हम लोगों ने शॉर्ट आंसर करके याद कर लिए हुए, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके आंसर ठीक हैं तो मैं उन्हें कभी भी गलत नहीं करूंगी, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करती, ठीक है। और जो बच्चों कुछ आपको क्वेश्चन लग रहे हैं कि ये लॉन्ग है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आप ऐसा करें, आपको पता है ना कि बुक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, ऐसे होता है ना। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आएंगे। जी उमर इलिया, आपने भी मुझसे बात करनी है, जी बोलिए उमर। जी आप क्या पूछ रहे थे मुझसे उमर? हाँ जी बोलिए। लेकिन जोहेर आपको बता रहे हैं कि टाइम इज अप। ओके उमर, आप नहीं कुछ बोलना चाहते, ठीक है, हम फिर नहीं आपसे बात करते। चले चले, उमर नहीं बात कर।